Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of judicial examination. I am Dr. Waseem I Khan, assistant professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion is a definition of counterfeit in our Indian Penal Code 1860. Along with the definition of counterfeit, we will discuss the probable question which may be asked by the examiner on this particular definition, as well as we will discuss the question asked by the examiner in the previous paper. So, aaj ka point of discussion hamara hai, bahut important definition hai, Indian Penal Code ki definition hai counterfeit. और इस पे पूछे गए क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन इस पे एग्जामिनर पूछ सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस लेक्चर में. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. डेफिनेशन ऑफ काउंटरफिट. सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइंस द टर्म काउंटरफिट. So, a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. तो यहाँ पर क्या है कि counterfeit की definition को अगर हम देखें तो यहाँ पर specifically mention किया हुआ है कि counterfeit, the person is said to counterfeit, ऐसे person को हम ऐसा कहेंगे कि उसने काउंटरफीट का ऑफेंस किया है. हु कॉजेस वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग. अगर कोई पर्सन ये कर रहा है कि एक चीज को दूसरे चीज के जैसा बता रहा है कि ये वो है. फॉर एग्जांपल एक चीज ऐसा बता रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज है वो दूसरे चीज है ऐसा बताता है. इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन. और वो रिजेंबलेंस के जरिए और वो जो बता रहा है कि ये चीज है वो अगले पर्सन को फंसाना चाहता है. प्रैक्टिस ऑफ डिसेप्शन इज देयर और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस. और उसको पता है कि मैं ऐसा कहूंगा तो सामने वाला पर्सन इसमें फंसेगा. तो वो पर्सन ने काउंटरफीट को ऑफेंस किया ऐसा ट्रीट होगा. फॉर एग्जाम्पल के एप्पल एक ब्रांड है टेलीफोन का मोबाइल का सॉरी मोबाइल का एप्पल एक ब्रांड है. अगर मैं ऐसा फ़ोन तैयार करता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि एप्पल का फ़ोन है हालांकि वो नहीं है तो जो पर्सन मुझसे वो खरीदेगा ये कहकर खरीदेगा कि एप्पल का फ़ोन है तो उसकी फसवणूक होगी उसका डिसेप्शन होगा. तो ये जो मैं लाइबल रहूँगा काउंटरफीट के लिए. सो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ काउंटरफीट्स आर देयर वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग. एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताना रिजेंबल बताना कि मैं फ़ोन एप्पल का नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल का ही फ़ोन है तो ये काउंटरफीट के डेफिनेशन में आएगा. इंटेंशन बिहाइंड सच रिजेंबलेंस इज टू डिसीव समवन. कि मेरा इंटेंशन ये है कि किसी को फंसाना है. ये जो बता रहा हूँ कि मैं एप्पल का फ़ोन है ये फंसाना है. अगर मैं कह रहा हूँ कि एप्पल का फ़ोन नहीं है लेकिन ये एप्पल के फ़ोन के जैसा दिखता है तो मैं काउंटरफीट के लिए लायबल नहीं रहूँगा. अगर मैं एप्पल का फ़ोन बोलकर अगर उसको बेच रहा हूँ तो मैं उसको फंसा रहा हूँ तो मैं काउंटरफीट के लिए लायबल रहूँगा. नॉलेज दैट देयर बाय रिजेंबलेंस डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस. तो मुझे नॉलेज रहना ज़रूरी है कि मैं ये जो बता रहा हूँ कि ये फ़ोन एप्पल का है इसके ज़रिए दूसरे पर्सन की डिसेप्शन हो सकता है वो फंस सकता है उसकी फसवणूक हो सकती है तो मैं काउंटरफीट के लिए लायबल रहूँगा. अब एक्सप्लेनेशन है कि इट इज़ नॉट इसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इमिटेशन एग्जैक्ट ही होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल का अगर लोगो है वो एप्पल का लोगो के साथ साथ हर चीज़ें एक जैसी होना ज़रूरी नहीं है. एग्जैक्ट इमिटेशन ज़रूरी नहीं है. अगर ये इमेज आप देख रहे हो तो देर आर टू इमेज ए एंड बी एडिडास. तो अगर नीचे हम लिखा हुआ देखें तो दोनों में एडिडास लिखा हुआ है लेकिन जो ऊपर की तीन लाइन है वो एग्जैक्टली अपोजिट है. तो जो ए है वो एडिडास का ओरिजिनल एडिडास का लोगो है और जो बी है वो ओरिजिनल लोगो नहीं है. लेकिन अगर जो बी वाला लोगो लगाकर अगर मैं कोई शू बेचता हूँ तो उससे
किसी पर्सन जो खरीदता है वो पर्सन उसकी फसोनुक हो सकती है, वो ये समझ के खरीद सकता है कि ये एडिडास का ही शूज है तो मैं लायबल हो सकता हूं काउंटरफीट के लिए। हालांकि ये एग्जैक्ट इमिटेशन नहीं है, एग्जैक्ट मैचिंग नहीं है। एग्जैक्ट मैचिंग कब होती है? अगर वो लाइन भी वैसे ही होते तो एग्जैक्ट मैचिंग होना जरूरी नहीं है काउंटरफीट के ऑफेंस के लिए। पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा है, प्रिजम्पशन ऑफ काउंटरफीट इज देयर, प्रिजम्पशन ऑफ काउंटरफीट इज देयर। अब प्रिजम्पशन क्या होगा? व्हेन अ पर्सन कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय। अगर एक पर्सन दूसरे चीज से रिजेंबल करता है, एक चीज को दूसरे चीज से रिजेंबल कहता है, एक जैसा बताता है, और वो रिजेंबलेंस के जरिए, वो एक जैसा बताने के वजह से अगर दूसरे पर्सन की फसनुक हो सकती है, वो डिसीव्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वन, ये भी एग्जांपल एक के ये प्यूमा का जो लेफ्ट साइड में है वो प्यूमा का करेक्ट लोगो है और दूसरा जो है वो कोमा बोल के है, और उल्टा जो शेर का जो जंप कर रहा है लायन तो वो उल्टा है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन यहां पर फसोनुक हो सकती है, पर्सन प्यूमा का बोलकर उसको खरीद सकता है, तो ये भी काउंटरफीट में आएगा। प्रोबेबल क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ काउंटरफीट अंडर इंडियन पिनल कोड 1860। अ वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, इंटेंशन बिहाइंड रिजेंबल इज टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। तो अगर हम देखें क्या नहीं है काउंटरफीट की डेफिनेशन में, तो अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, एंड इट इज नॉट इसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ काउंटरफीट। तो काउंटरफीट की डेफिनेशन में इमिटेशन एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। और प्रोबेबल क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 डिफाइंस द टर्म काउंटरफीट, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? सेक्शन 28 डिफाइंस द टर्म काउंटरफीट। सो दीज आर द पर्टिकुलर क्वेश्चन विच मे बी आस्क ऑन द डेफिनेशन ऑफ काउंटरफीट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।